हेलो दोस्तों, विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हरिशंकर प्रसाद मनोविज्ञान की दूसरी क्लास लेकर के आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इस क्लास को आप लोग मनोविज्ञान की पाठशाला के रूप में भी ले सकते हैं। जैसे कि पहली वीडियो में हम लोगों ने देखा था मनोविज्ञान का अर्थ देखा था और किस किस चरण से होते हुए कहाँ तक मनोविज्ञान पहुँचा था, उसके बारे में जो है कुछ जानकारियाँ उस दिन हम लोगों को मिली थी। शेष उसके आगे की कड़ी में दूसरा वीडियो आप लोगों के बीच में जो है प्रस्तुत है। कृपया इस वीडियो को आप लोग जो है देखें और जो है देखने के बाद जो है इसका एनालिसिस अपने हिसाब से करें। और सीटेट जुलाई 2023 और आगामी समय में आने वाली जो भी परीक्षाएं टेट से संबंधित होंगी उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। अब हम लोग जो है अपने इस क्लास में जो है शुरुआत करने से पहले, पहली वीडियो में जो चीज़ हम लोगों ने देखा था उस चीज़ को एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा और हमने जो है आप लोगों के बीच में जो है उस दिन एक चीज़ बताया था कि मनोविज्ञान का जो प्रारंभिक स्टेप था वो जो है कहाँ से शुरू हुआ था। मनोविज्ञान जो है आत्मा के विज्ञान के रूप में पहला स्टेप क्या था, आत्मा के विज्ञान के रूप में, या ये कर सकते हैं आप कि आत्मा का विज्ञान, ये किसने कहा था, अरस्तु ने, और ये कहाँ के थे, यूनान के। दूसरा स्टेप हम लोगों ने देखा था, दूसरा स्टेप क्या था, मन मस्तिष्क का विज्ञान जिसको किसने दिया था, पोम्पो लाजी ने, और ये कहाँ के थे, इटली के। तीसरा विचार कहाँ से आया था या तीसरा स्टेप कहाँ से शुरू हुआ था, तो चेतना का विज्ञान, और इसको किसने दिया था, विलियम वुंट ने, और ये कहाँ के थे, जर्मनी के। और लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था व्यवहार का विज्ञान, और इसको किसने दिया था, तो जे बी वाटसन ने, और ये कहाँ के थे, अमेरिका के। देखिए चर्चा जो है पिछली वीडियो में हो चुका है और बस इस चीज को समझाने के लिए इससे कुछ चीज़ें जो है रिलेटेड हैं जिसको समझाने के लिए हमने फिर से आप लोगों के बीच में इन सभी लोगों का नाम और इन सभी स्टेपों का नाम जो है लिया है। देखिए इन चारों के अध्ययन के उपरांत एक मनोवैज्ञानिक आए जिनका नाम था क्या, वुडवर्थ। क्या नाम था, वुडवर्थ। और वुडवर्थ ने जो है
इस चारों स्टेप का जो है अपने हिसाब से एनालिसिस किया, और एनालिसिस करने के बाद जो है एक कथन या वक्तव्य दिया था, और उस वक्तव्य का बहुत ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रशंसा भी हुई, और जो है कई बार जो है वो कथन जो है यूपी टेट में कई राज्यों में जो है वो कथन पूछे भी जा चुके हैं। और इसको आप लोग जो है विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, वुडवर्थ ने क्या कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में व्यवहार के सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में जो है व्यवहार के ढंग को अपनाता है। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है कि वुडवर्थ ने जो है इन उपरोक्त मैटरों के आधार पे या उपरोक्त जो है विषय वस्तु को देखते हुए एक एनालिसिस अपनी दी, और मनोविज्ञान जो है किस स्टेप तक जो है आज वर्तमान में हम लोगों के बीच में उपस्थित है, उसी चीज को जो है एक कथन के द्वारा या एक वक्तव्य के द्वारा इन्होंने प्रेषित किया। और सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर मन को त्यागा, और फिर चेतना का त्याग किया, और वर्तमान में जो है व्यवहार के ढंग को जो है ये अपनाता है। कहने का मतलब क्या है कि आत्मा का त्याग, मन मस्तिष्क का त्याग और चेतना का त्याग करने के बाद आज के डेट में जो मनोविज्ञान हमारे और आपके बीच में उपस्थित है वो जो है किस पे है, व्यवहार के रूप में है। इसके अंतर्गत जो है ये चीज़ें जो है विशेष रूप से जो है उल्लेखनीय हो गई, और मनोविज्ञान आज के डेट में जो है हम लोगों के बीच में व्यवहार के विज्ञान के रूप में ही प्रतिस्थापित है। इसको जो है एक ट्रिक के आधार पे हम समझ सकते हैं, और ये ट्रिक क्या है, आम चबा। यहीं से आप लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और जो है देखिए जो भी चीज़ें आप पीछे वीडियो में पढ़े हैं इसको केवल एक चुटकी में ही आप समझने का प्रयास करिएगा। अ का मतलब क्या हो जाएगा, आत्मा। म का मतलब क्या हो जाएगा, मन या मस्तिष्क। और च का मतलब क्या हो जाएगा, चेतना। और बा का मतलब क्या हो जाएगा, व्यवहार। देखिए पहले क्या आया था, आत्मा। अगर आप लोग थोड़ा सा पिछली वीडियो पे ध्यान देंगे तो आत्मा का संबंध किससे था, अरस्तु से।
और जो है मन एवं मस्तिष्क का संबंध किससे था, तो किससे था, पोम्पो लाजी। और चेतना का संबंध किससे था, तो विलियम वुंट। और व्यवहार का संबंध किससे था, तो जेबी वाटसन। जितनी पिछली वीडियो है उसका एक ही सार है, केवल इतना ही यदि हम लोग केवल समझ लें तो इतना ही में जो है हम लोग मनोविज्ञान के विकास के क्रम को जो है केवल बस 10-20 शब्दों के आधार पे ही जो है इसको हम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए यहाँ जो है एक चीज़ और समझिएगा कि हमने जो है मनोविज्ञान के विकास के संदर्भ में जो है एक चीज़ और बताई आप लोगों को, ये यात्रा शुरू हुई थी कहाँ से, यूनान से, फिर चली कहाँ गई, इटली, और फिर जो है इटली के बाद कहाँ गए हम लोग, जर्मनी, और जर्मनी के बाद हम लोग कहाँ आ गए, अमेरिका। मनोविज्ञान का प्रारंभिक इतिहास समझने में हम लोगों ने जो है चार देशों को जो है जान लिया कि शुरुआत कहाँ से हुई, यूनान से, इटली से और जर्मनी, फिर उसके बाद अंततः जो है अमेरिका। देखिए अगले कड़ी में जो है कुछ परिभाषाएं हैं जिसको हम लोग जो है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दी गई हैं, जिसमें एक नाम आता है वुडवर्थ का। वुडवर्थ ने जो है मनोविज्ञान के बारे में जो है अपनी परिभाषा दी थी। सबसे पहले हम लोग ये समझने का प्रयास करेंगे कि वुडवर्थ ने जो है अपना जो भी योगदान था मनोविज्ञान के विकास क्रम में तो किस से संबंधित ये थे। अगर यही चीज हम और आप समझ लें तो परिभाषा अपने आप आसान हो जाएगी। और हमने आपको पिछली वीडियो में ये चीज़ बताई थी कि जो है जब व्यवहार का विज्ञान शुरू हुआ था तो उस समय जो है व्यवहार के विज्ञान के अंतर्गत एक समर्थक के रूप में विलियम वुडवर्थ का भी नाम आया था। तो इन्होंने परिभाषा दिया था मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। परिभाषा से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि क्रिया है, वह क्रिया जो बाह्य रूप से दिखाई दे उसे ही हम क्या कहते हैं, व्यवहार। और व्यवहार का संबंध किससे है, जेबी वाटसन एंड कंपनी से, जिसमें जो है वुडवर्थ का नाम आता है, स्किनर का नाम आता है, क्लार्क हल का नाम आता है, इन्होंने जो है परिभाषित किया। दूसरी परिभाषा जो है स्किनर की क्या थी मनोविज्ञान के संदर्भ में, देखिए इन्होंने क्या परिभाषित किया कि मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मनोविज्ञान मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों का
अध्ययन है। मानव व्यवहार और जो है मानव संबंध। दूसरी जगह इन्होंने अपनी एक जो है परिभाषा दी है, उसका जो है भी जिक्र जो है यूपीटेट में एक बार हो चुका है, अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन। अनुभव एवं व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान। इसके बाद एक नाम आता है मैकडूगल का, विलियम इन्होंने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जो है आचरण एवं व्यवहार का अध्ययन है। आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ विज्ञान है। यथार्थ का मतलब जैसा हो ठीक वैसा ही दिखाई दे। तो आचरण और व्यवहार के आधार पे जो है विलियम मैकडूगल ने जो है अपनी परिभाषा को संप्रेषित किया। दूसरा क्या है, स्किनर ने भी जो है मानव व्यवहार एवं मानव संबंधों के आधार पे जो है मनोविज्ञान को परिभाषित किया, और जो है वुडवर्थ ने भी व्यक्ति के क्रियाओं वातावरण के संबंध में व्यक्ति के क्रियाओं के आधार पर जो है मनोविज्ञान को परिभाषित किया। ये जो है परिभाषाएं आप एनालिसिस करेंगे यदि अपने हिसाब से, तो ये तीनों मनोवैज्ञानिक आपको जो है जो आपके बीच में है ये सभी लोग जो है क्या हैं, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं। और इनके शब्दकोश में कहीं ना कहीं जो परिभाषा इन्होंने दी है उसमें कहीं ना कहीं व्यवहारिक क्रिया के आधार पर व्यवहार शब्द आपको देखने के लिए मिलेगा। वातावरण का संबंध जब क्रियाओं से होता है तो वहाँ वुडवर्थ का नाम आता है। मानव व्यवहार और मानव संबंधों की जहाँ बात होती है या अनुभव के आधार पर व्यवहारिक व्यवहार की बात यदि आती है तो वहाँ स्किनर का नाम आता है। और यदि आचरण और व्यवहार की बात यदि जहाँ आती है, जहाँ यथार्थता की बात आती है, वहाँ विलियम मैकडूगल का नाम आता है। तो परिभाषा को एक बार आप लोग देखें, और ये सारी परिभाषाएँ कहीं न कहीं अन्यत्र राज्य यूपीटेट में कहीं न कहीं जो है आपको यदि प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो प्रैक्टिस सेट हल करते समय जो है आप लोगों को ये परिभाषा जो है आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मनोविज्ञान का या मनोविज्ञान के मनोविज्ञान थोड़ा सा बढ़ा लेते मोटा कलर।
देखिए मनोविज्ञान के संप्रदाय देखिए मनोविज्ञान का संप्रदाय समझने से पहले जो है मनोविज्ञान के संप्रदाय के अंतर्गत संप्रदाय का क्या मतलब होता है या संप्रदाय है क्या। आम भाषा में हम लोग जो है संप्रदाय को जो है किसी धर्म से जोड़ करके परिभाषित करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से जो है मनोविज्ञान के क्षेत्र में संप्रदाय किसी एक मत या किसी एक विचार को मानने वाले विचारकों के वैचारिक मंच या वैचारिक प्लेटफॉर्म या वैचारिक स्कूल को कहते हैं, और इसी के आधार पे जो है मनोविज्ञान का संप्रदाय बना। और मनोविज्ञान का जो प्रथम संप्रदाय बना, उस मनोविज्ञान के प्रथम संप्रदाय को जो है हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, संरचनावाद के नाम से। संरचनावाद के नाम से, संरचनावाद का जनक किसे कहा जाता है या संरचनावाद को परिभाषित करने के लिए किसका नाम आता है, तो संरचनावाद का सबसे बड़ा मुख्य योगदान किसको जाता है, विलियम वुंट को। विलियम वुंट ने ही जो है संरचनावाद के रूप में प्रथम संप्रदाय को जो है हम लोगों के बीच में जो है संप्रेषित किया, और इसीलिए इस संप्रदाय को मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये कि संरचनावाद को जो है मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कहा जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, तो मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, संरचनावाद। संरचनावाद का प्रणेता किसे माना जाता है, तो प्रणेता माना जाता है विलियम बुंट को। विलियम बुंट का जो है समर्थन किन किन लोगों ने किया था, तो समर्थनकर्ता कौन कौन लोग थे, एक नाम आता है टिचनर, ईवी टिचनर इनको बोलते हैं। दूसरा नाम आता है वेट फोल्ड, और तीसरा नाम आता है एडलर का। देखिए टिचनर का संबंध जो है कार्नेला विश्वविद्यालय से था, कार्नेला विश्वविद्यालय। और जो है वेटफोर्ड का संबंध किससे था, तो वेटफोर्ड का संबंध जो है कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय से था, और जो है एडलर एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे, जिनको जो है सामुदायिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जो है इनको जो है परिभाषित या व्याख्या इनकी या चर्चा की जाती है। टिचनर, वेटफोर्ड और एडलर,
इन्होंने जो है संरचनावाद का जो है समर्थन किया, और मुख्य रोल किसका था, विलियम वुंट का। देखिए विलियम वुंट ने जो है एक चीज़ बताई कि हमारे शरीर में जो पांच इंद्रियां होती हैं, इन पांच इंद्रियों के आधार पे ही क्या है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इन पांच इंद्रियों के आधार पर जो प्रथम संप्रत्यय व्यक्ति या प्राणी के बीच में उपस्थित होता है उसे हम क्या कहते हैं, संवेदना। और संवेदना को ही विलियम वुंट ने किसका नाम दिया था, चेतना का। और इन्होंने ये बताने का प्रयास किया और स्पष्ट भी किया कि इंद्रियां ही जो है चेतना का क्या करती हैं, चेतना का निर्माण करती हैं। मतलब आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा मिलकर के जो है चेतना का निर्माण करती हैं। इसीलिए संरचनावाद को जो है एक और नाम से जाना जाता है, निर्माणवाद और निर्मितवाद, निर्मितवाद। ये बताने का प्रयास किया विलियम वुंट ने कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो चेतना होती है या जो संवेदना होती है वो जो है निश्चित होती है, या एक प्रत्येक व्यक्ति के अंदर जो है चेतना का जो एक निश्चित संरचना होती है या चेतना की जो है एक निश्चित संरचना होती है। तो इन्होंने ये बताया कि चेतना की जो है एक निश्चित संरचना होती है, और इन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि इंद्रियां ही चेतना का क्या करती हैं, चेतना का निर्माण करती हैं। इस चीज़ को आप लोग देख लीजिएगा, और देखने के बाद जो है यदि यहाँ से कोई क्वेश्चन बन करके आता है तो आप लोग विशेष रूप से देख लीजिए कि संरचनावाद क्या है, या संरचनावाद में जो है विलियम वुंट ने अपनी विचारधारा को किस तरह से प्रभावित किया है। तो संरचनावाद का संबंध जो है विलियम वुंट से था, और विलियम वुंट के समर्थक के रूप में टिचनर, वेटफोर्ड और एडलर का नाम आता है। और टिचनर का संबंध जो है कार्नेला विश्वविद्यालय, और जो है वेटफोर्ड का जो है कैलिफोर्निया, और एडलर जो है एक ऑस्ट्रियन मनोवैज्ञानिक थे जिनको एक सामुदायिक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाना जाता है। और जो है इस वाद को जो है निर्मितवाद और निर्माणवाद और निर्मितवाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद जो है दूसरी स्थिति में जो है एक वाद आता है या एक संप्रदाय आता है, जिस संप्रदाय को जो है हम लोग प्रकार्यवाद देखिए दूसरा वाद आया या संप्रदाय आया जिसे जो है प्रकार्यवाद या कार्यवाद के नाम से जाना जाता है।
और प्रकारवाद का प्रणेता किसे माना जाता है? तो प्रकारवाद का प्रणेता जो है विलियम जेम्स अब एक चीज आप लोगों के दिमाग में आ रही होगी कि जब चेतना का विज्ञान जब हम लोग पढ़े थे तो विलियम जेम्स जो है विलियम बुंड के साथ ही थे, लेकिन जब प्रकारवाद बना और जो है संरचनावाद बना तो संरचनावाद जो है अलग से विलियम बुंड का वाद हो गया और प्रकारवाद जो है विलियम जेम्स का हुआ। तो विलियम जेम्स ने जो है चेतना के आधार को जो विलियम बुंड ने परिभाषित किया कि नहीं जो है इंद्रियों के द्वारा जो है चेतना का निर्माण होता है और चेतना की जो है व्यक्तियों के अंदर एक निश्चित संरचना होती है, तो इन्होंने जो है एक खंडन कर दिया कि चेतना के बाद भी जो है बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रत्यक्षीकरण के रूप में जो है व्यक्ति जो है चीज़ों को जानता है, सीखता है या समझता है, जैसे सूझ है, समस्या समाधान है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो है बताने का प्रयास जो है इन्होंने किया था। और इसमें जो है विलियम जेम्स का एक और भी रोल देखा जा सकता है। जैसे विलियम जेम्स जो है उस समय समर्थककर्ता के रूप में थे और मनुष्य में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक पहचान बने और उसके नाम से ही लोग उसको जाने, न कि किसी के साथ जोड़ करके जो है कोई व्यक्ति जो है उस व्यक्ति को जाने। और इसी के कड़ी में जो है इन्होंने जो है अपना एक वाद बताया या संप्रदाय गठित किया जिसे जो है प्रकारवाद के नाम से जाना जाता है। और इसका समर्थन जो है समर्थन किया गया रोलैंड एंजिल के द्वारा, जान डीवी के द्वारा, और तीसरा थांडाइक के द्वारा, और चौथा कैटल के द्वारा। देखिए इन्होंने जो है मुख्य रूप से बताने का प्रयास किया कि जो इंद्रियां होती हैं वो इंद्रियां जो है जो हमें ज्ञान देती हैं या प्रथम संप्रत्यय कराती है, तो संवेदना या चेतना के रूप में न होकर के चेतना के कार्य के रूप में, कार्य के रूप में हमारा जो है प्रत्यक्षीकरण कराती है। और चेतना और प्रत्यक्षीकरण के आधार पे ही विलियम जेम्स का वैचारिक मतभेद हुआ था। संवेदना या चेतना का मतलब क्या है कि इंद्रियों के द्वारा प्रथम ज्ञान संवेदना है जो अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, केवल प्रारंभिक कॉन्सेप्ट होता है, उसके पूर्णता का या उसकी जो है पूर्ण स्थिति का कोई ज्ञान चेतना में नहीं होता है। लेकिन प्रत्यक्षीकरण में जो है कुछ चीज़ें पाई जाती हैं, प्रत्यक्षीकरण में जो है
बालक जो है नाम, पहचान और व्याख्या, इन तीनों चीज़ों को जो है जान जाता है। इसी के संदर्भ में जो है रायवर्ण ने जो है एक परिभाषा अपनी दी थी, और वो परिभाषा जो है आप जब अगला चैप्टर पढ़ेंगे संवेदना और प्रत्यक्षीकरण, तो उसमें आप लोगों को मिलेगा कि जो है अनुभव के आधार पर संवेदना की व्याख्या करना ही क्या कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। तो संवेदना के कार्यों के आधार पर जो वाद बना उसी को जो है किस नाम से जाना जाता है, प्रकार्यवाद या कार्यवाद। और इसका प्रणेता किसे माना जाता है, विलियम जेम्स को। और समर्थन में जो है किनको किनको बताया गया, तो एक नाम आता है रोलैंड एंजिल का, एक नाम आता है जॉन डेवी का, और एक नाम आता है थॉर्नडाइक का, और एक नाम आता है कैटल का। अगली कड़ी में जो है एक वाद देखने के लिए आप लोगों को मिलेगा, और उस वाद का नाम है व्यवहार वाद। और व्यवहार वाद, व्यवहारवाद के अंतर्गत जो है हम लोगों ने पिछली वीडियो में ही समझने का प्रयास किया था कि सबसे पहले व्यवहारवाद की नींव जो है कब पड़ी थी, तो व्यवहारवाद की नींव जो है 1912 या 13 में। और जो है एक नाम आता है कि व्यवहारवाद नामक पुस्तक जे वी वाटसन के द्वारा प्रकाशित की गई या रची गई। और जो है व्यवहारवाद का जनक किसे माना जाता है, तो व्यवहारवाद का जनक जो है जे वी वाटसन को माना जाता है। और जे वी वाटसन ने जो है ये बताने का प्रयास किया था कि जो है व्यवहार जो है वह क्रिया है जो बाह्य रूप से क्या होती है, दिखाई देती है। मतलब बाह्य क्रियाओं के आधार पे जो क्रियात्मक पहलू व्यक्ति का पाया जाता है उसी को जो है किसका नाम दिया, व्यवहार का। और इसको जो है इन्होंने बताने का प्रयास किया कि मानसिक स्थिति का बाह्य रूप ही क्या है, व्यवहार है। दूसरी बात कि इनका समर्थन जो है कितने लोगों ने किया था, तो व्यवहारवाद का समर्थन जो है स्किनर के द्वारा किया गया। दूसरा नाम आता है हल का, तीसरा नाम आता है पावलोव का, फिर उसके बाद नाम आता है वुडवर्थ का, और नाम आता है मैकडूगल का, विलियम मैकडूगल। देखिए इतने नाम आते हैं जिन्होंने जो है व्यवहारवाद का समर्थन किया था। और पीछे जो है
ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी गई हैं। यहाँ केवल ये समझने का प्रयास करिएगा कि व्यवहारवाद पे जो है सबसे अधिक प्रभाव यदि किसी का पड़ता है तो जे बी वाटसन ने जो है इस चीज़ को बताने का प्रयास किया कि व्यवहार पर सबसे सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है तो वातावरण का, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। और इन्होंने इसी के आधार पे बताया कि यदि वातावरण में यदि किसी भी बालक को यदि जिस वातावरण में हमको रखना है तो उस वातावरण के अकॉर्डिंग ही जो है बच्चे का व्यवहार निर्मित होगा। इसीलिए इन्होंने जो है एक वक्तव्य दिया था या इनका एक थाट भी था कि हमें जो है कितना हो बच्चे दे दो, चाहे जितनी इच्छा हो आप दे दो, और जिसे आप जो कहोगे वही चीज़ उस बच्चे को हम बना देंगे। मतलब मुझे कुछ बच्चे दे दीजिए, डॉक्टर बनाना है डॉक्टर बना देंगे, इंजीनियर बनाना है इंजीनियर बना देंगे, वकील बनाना है वकील बना देंगे, यदि कसाई बनाना है तो कसाई भी बना देंगे। तो जे बी वाटसन का जो व्यवहारवाद था वो व्यवहारवाद के आधार पे सबसे अधिक किसी का प्रभाव पड़ा तो वातावरण का पड़ा, और वातावरण के आधार पे ही जो है व्यक्ति का व्यवहार निर्मित होता है। और व्यवहारवादियों ने जो है ये बताया कि व्यवहार में जो क्रिया होती है उस क्रिया का मुख्य संतुलन कह लीजिए या क्रिया जिस पे होती है वो दो आधार पे होती है। एक नाम आता है किसका, उद्दीपक का, और उसके साथ क्या होती है, अनुक्रिया। मतलब जब तक उद्दीपक नहीं होगा तब तक जो है अनुक्रिया नहीं हो सकती है, और उद्दीपक के आधार पे ही अनुक्रिया होती है। और जिस प्रकार का वातावरण रहेगा और जिस वातावरण में जिस प्रकार का उद्दीपक जो है बच्चे के सामने रखा जाएगा उसी प्रकार की अनुक्रिया होगी, और जो अनुक्रिया सही होगी तो व्यवहार भी सही होगा, और अनुक्रिया यदि गलत होगी तो व्यवहार भी क्या होगा, गलत होगा। बस इस वीडियो में इतना ही। शेष वीडियो में पीछे की वीडियो और आज की वीडियो को मिला करके मनोविज्ञान का जो सामान्य परिचय था वो लगभग समाप्त हुआ। शेष अगली वीडियो में जो है चीज़ों को देखा जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और गुड इवनिंग। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेज के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जो है चैनल नया है इसको सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो है जो भी चीज़ें जो है इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में जा रही हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।